सिक्स सेंस, थर्ड आई, साइकिक पावर्स, इन सब चीज़ों का बेस बेसिकली एक ही है। सो अभी इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर इन स्पिरिचुअल चीज़ों की इंप्रूवमेंट्स कितनी है और ये किस लेवल पर एक्टिव हैं आपके अंदर। तो जिन लोगों को नहीं पता कि आखिर साइकिक एबिलिटीज़ क्या होती हैं, तो मैं शॉर्ट टर्म में ये बता दूं कि गॉड ने, नेचर ने हमारे अंदर कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें दी हैं, जैसे दूर से किसी चीज़ को हिला देना, फ्यूचर देख लेना और भी बहुत कुछ एटसेट्रा। जब तक हम उन्हें अपनी बॉडी में नहीं ढूंढते तो वो नहीं मिलती। तो इनको अच्छे से समझने के लिए आप चैनल पर बाकी वीडियोस देख सकते हो, जिससे कि आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। तो जो साइंस मैं बताऊँगा उन्हें सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास ये एबिलिटीज़ मौजूद हैं, तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये आपको कहाँ से मिली। तो ये आपको जेनेटिकली, मतलब पेरेंट्स से भी मिल सकती है, गॉड गिफ्टेड हो सकती है, पिछले जन्म से भी इसका कनेक्शन हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, दिस इज ब्रेन ब्लास्ट, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। फर्स्ट साइन, साइकोमेट्रिक एक्सपीरियंसेस। ये एक डिफरेंट सा साइन है, लेकिन ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। तो इसमें होता बेसिकली ये है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन या कोई जगह, जब आप इन्हें टच करते हो तो आपको इनका पास्ट दिखने लगता है। आप फील कर सकते हो कि इस जगह पर पहले ये हो चुका है। किसी पर्सन को टच करते हो तो आपको उसका पास्ट भी दिखता है। सेकेंड साइन, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन और सिक्स सेंस। ज़रा ध्यान से सोचो कि आपको आज तक कितनी बार ऐसा फील हुआ है कि आपके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई हो या आपको दिखा हो कि ये चीज़ होने वाली है। जैसे एग्जांपल ले लूँ, आपको कभी दिखा हो या फील हुआ हो कि कल आप ड्राइव करके किसी फ्रेंड के घर जाने वाले हो और फिर आप गए भी हो। और ओरिजिनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सिक्स सेंस, थर्ड आई, हमेशा आपको कुछ होने से या करने से पहले वार्निंग देती है। तो जिसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं होगी उसको ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन थर्ड आई की तरफ से नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये इस चीज़ को प्रूव करता है कि आपके अंदर एक हिडन साइकिक एबिलिटी मौजूद है। थर्ड साइन, फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट्स। क्या आपको कभी ऐसा फील होता है कि आपको कोई देख रहा है पीछे से, साइड से, कहीं से भी हो सकता है। मोस्टली तब जब आप घर में अकेले हो, या फिर क्या आपको शैडो या किसी की परछाई दिखती है। अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि आप किसी स्पिरिट, आत्मा की मौजूदगी को फील कर पा रहे हो, लेकिन आप इसके बारे में श्योर नहीं हो। लेकिन आज से आप श्योर हो जाओ, क्योंकि ये एक साइन है कि आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ मौजूद हैं। इस साइन से अब काफ़ी लोग डर जाएंगे, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास अभी भी बहुत चीज़ें घूम रही हैं, लेकिन हमें पता नहीं क्योंकि हमारा लेवल लो है। सो आपका लेवल अगर हाई है तो आपको पता चल रहा है। और ज़रूरी नहीं कि ये स्पिरिट्स मरे हुए लोगों की ही हो, ये कुछ गुड एनर्जीज भी हो सकती हैं, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में एंजल्स भी कह सकते हैं। फोर्थ साइन, हेयरिंग वॉइसेस। अगर आपके अंदर कोई हिडन साइकिक एबिलिटी है तो अगर वो थोड़ी सी भी एक्टिव है तो आपको कुछ ऐसी आवाज़ें सुन सकती हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं सुन सकता। नहीं, मैं यहाँ पर डरावनी आवाज़ों की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। ये आवाज़ें किसी इंसान की हो सकती हैं, कोई म्यूजिक टाइप हो सकती हैं, और या फिर कोई बजिंग साउंड भी हो सकती है। फिफ्थ साइन, डेजावू एक्सपीरियंस। कि आप कभी ऐसा फील करते हो कि आप इस जगह पहले भी आ चुके हो, आई मीन टू से जैसे आप किसी जगह पर गए तो वहाँ जाकर आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इससे पहले भी मैं इस जगह पर आ चुका हूँ। इसके साथ साथ आपको किसी जगह, किसी पर्सन के साथ फैमिलिटी महसूस हो सकती है। आपको लग सकता है कि उस पर्सन के साथ आपका कोई पुराना रिश्ता है, या आप उसे पहले से जानते हो लेकिन नहीं पता कैसे और क्यों जानते हो। मतलब किसी चीज़ के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करना, ये बिल्कुल क्लियर साइन है साइकिक एबिलिटीज़ के एक्टिव होने का। सिक्स्थ साइन, टेलीपैथिक कनेक्शंस। टेलीपैथी को तो आप सब जानते ही होंगे। तो क्या आप किसी पर्सन के साथ अपने दिमाग से कम्युनिकेट कर सकते हो? क्या आप किसी के विचार, उसके थॉट्स पढ़ सकते हो? और कई बार आप कुछ बोलते हो, कुछ बात करते हो तो सामने वाला पर्सन कहता है कि यार ये मैं अभी कहने ही वाला था, मेरे दिमाग में अभी यही बात थी। तो अगर आपके साथ भी यही चीज़ें होती हैं तो इसका साफ मतलब यही है कि टेलीपैथिक पावर्स आपके पास जन्म से ही मौजूद हैं, और अगर आप उन पर थोड़ी मेहनत करो तो आप उन्हें बढ़ा भी सकते हो। सेवन साइन, इनर साइकिक वाइब्रेशंस। ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन काफ़ी हद तक इफेक्टिव है। सो मोस्ट ऑफ टाइम्स कई बार आप वॉक कर रहे होते हो या फिर कभी आप शांति से बैठे होते हो तो आपको अचानक से अपनी बॉडी में काफ़ी सारी टिंगलिंग्स और वाइब्रेशंस फील होती हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर से एनर्जी वाइब्रेशंस के रूप में बॉडी से बाहर निकल रही है। कुछ डिफरेंट सी फीलिंग होती है, जिनको फील होता होगा वो लोग समझ पाए होंगे। इट्स अ गुड साइन। एट्थ साइन, क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस एक साइकिक एबिलिटी है जो काफ़ी लोगों में बचपन से ही मौजूद होती है। तो अगर आपके अंदर भी ये है तो सुन लो इसमें क्या होता है और इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आपको कभी विजन्स दिखती हैं या फिर शैडोज दिख सकती हैं? क्लेयरवॉयंस में आपको हर एक वो इन्फॉर्मेशन जो नेचर आपको देना चाहती है वो विजुअली दिखती है। विजुअली मतलब किसी कलर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, किसी पिक्चर से, किसी सिंबल निशान से, एंड मोस्टली ड्रीम्स, सपनों से ये इन्फॉर्मेशन आपको अपनी नॉर्मल आँखों की बजाय आपके दिमाग की आँखों से, मतलब सेकंड साइड से देखती है, एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। नाइन्थ साइन, फोर सी दी फ्यूचर। क्या आप फ्यूचर देख सकते हो? जो होने वाला है वो आपको पता चल जाता है, नॉट इन ड्रीम्स।
मैं सपनों की बात नहीं कर रहा, रियल में जब आप जाग रहे होते हो तब। जैसे एग्जांपल के हिसाब से आपके सामने दो डोर्स हैं एंड एक में आपकी मौत है और दूसरे में ज़िंदगी, तो आपको बोला जाए कि आप डिसाइड करो किस डोर में क्या है, तो उस टाइम ये पावर काम करेगी और आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा डोर चूज़ करना चाहिए। तो अगर आप इंस्टेंट होने वाली घटनाओं को इस तरह देख सकते हो तो फिर आप सच में गॉड गिफ्टेड ही हो। लास्ट और टेंथ साइन, यू कैन हील। हीलिंग एबिलिटी मतलब अपने साथ साथ लोगों को भी उनकी डिसीजेज से ठीक कर देना। और क्या आप ये कर सकते हो? शायद आप करते भी हो और आपको ध्यान में ना हो, तो शायद मेरे बताने के बाद आपको याद आ जाए। तो सुनो, ये कुछ इस तरह काम करता है। जैसे कोई पर्सन बीमार है तो अगर आप उसके पास जाते हो तो या फिर आप उसको टच करते हो तो वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट कर देता है और उसको जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उसमें पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगते हैं। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो इट मीन्स यू आर अमेजिंग, आप बाकियों से बहुत अलग हो। सो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के लिए आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक सभी अकाउंट्स पर फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड कमेंट्स में बताना कि आपके साथ कौन से साइन होते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई अच्छी नॉलेज मिली हो तो शेयर ज़रूर करना, बिकॉज अच्छी चीज़ों को शेयर ज़रूर करना चाहिए। और ऐसे ही डेली इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए सब्सक्राइब भी करके जाना।